बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम प्रोफेसर जिशान शौकत, वेलकम ऑल ऑफ यू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा नॉवल मैसेजेस जो है वो चल रहा है, हमने अब तक उसके 15 चैप्टर्स जो हैं वो स्टडी कर ली हैं, और इसके साथ बोर्ड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर चुका हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम जो है अपना चैप्टर नंबर 16 जो है वो डिस्कस करेंगे कि चैप्टर नंबर 16 की इम्पोर्टेंट क्या डेवलपमेंट है, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन कौन सी बातें जो है वो जहन में रखनी चाहिए, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से कौन कौन से आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है वो बन सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 16 जो है वो डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 16 जो है इसके जो मेजर और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसमें 3 से 4 इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं। एक तो स्टूडेंट्स इसे बताया गया कि मिस्टर चिप्स का जो था वो फेवरेट सीजन जो था, मौसम कौन सा था, कि मौसम गर्मा जो था उसको वो सबसे ज्यादा जो था वो पसंद करते थे। इसके अलावा जो ओल्ड स्टूडेंट जो थे वो जब मिस्टर चिप्स से मिलने आते थे तो उनको वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते थे। इसके अलावा एक स्टूडेंट ग्रेगसन का जो है वो जिक्र किया गया है, जो हमेशा क्लास में लेट आया करता था, और उसको जो था लीग ऑफ नेशंस के अंदर जो थी वो जॉब मिल गई थी, और मिस्टर चिप्स कहा करते थे उसको कि तुम शायद लेट जो है ओल्ड भी मेरी तरह जो है वो हो गए। इसके अलावा स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो यहाँ के मिस्टर चिप्स जो है अपनी विल, अपना वसीयत जो है वो तैयार करते हैं, कि जिसमें वो बताते हैं कि उनकी सारी जायदाद जो है वो मिशनरी स्कूल लेगासीज के अलावा, और इसके अलावा बाकी जो है वो एंट्रेंस स्कॉलरशिप के लिए रख देते हैं ब्रुकफील्ड में, जो स्टूडेंट्स जो है वो दाखिला लेते हैं। तो ये कह लें कि इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट हैं, तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कि मिस्टर चिप्स एंजॉयड समर द मोस्ट, कि मिस्टर चिप्स जो थे मौसम गर्मा को जो था वो सबसे ज्यादा जो था वो एंजॉय करते थे। ही लाइक्ड इट, वो इसको पसंद करते थे, एज ही डिडंट हैव टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ फ्रॉम द ईस्ट विंड्स, क्योंकि इस मौसम में उन्हें मशरकी हवाओं की ठंडक से, उनके चिंगारने से खुद को जो था वो लुक आफ्टर या केयर करने की जरूरत जो थी वो नहीं पड़ती थी। इन द समर, मौसम गर्मा के अंदर, अपार्ट फ्रॉम द वेदर, इस मौसम के अलावा, देयर वर आल्सो द फ्रीक्वेंट विजिट्स ऑफ द ओल्ड बॉयज, इसके अलावा ब्रुकफील्ड के जो ओल्ड स्टूडेंट्स जो थे जो मिस्टर चिप्स से पढ़ के जा चुके थे, तो वो अक्सर जो था गाड़ियों में बैठ के आ जाते थे मिस्टर चिप्स से मिलने के लिए। द विजिट ऑफ द ओल्ड बॉयज वर ग्रेटली अप्रिशिएटेड बाय मिस्टर चिप्स, क्योंकि ओल्ड बॉयज के जो विजिट था, उनके जो मुलाकात के लिए आना था, उसको मिस्टर चिप्स जो था बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते थे। चिप्स लव्ड देयर विजिट्स, चिप्स उनके आने को पसंद करते थे देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में इसके अलावा किसी और चीज के मुकाबले में। समटाइम्स बाज़कात द विजिटर्स एग्जॉस्टेड हिम, तो बाज़कात क्या होता था कि जो विजिटर्स होते थे, मुलाकाती जो होते थे, वो मिस्टर चिप्स को आके थका देते थे। इफ टू मैनी केम आउट एट वंस, कि अगर एक ही मरतबा बहुत ज्यादा जो थे वो आ जाते थे। ग्रेगसन इसी तरह मिस्टर चिप्स का ओल्ड स्टूडेंट था, कि ही वाज वर्किंग विद द लीग ऑफ नेशंस, कि वो लीग ऑफ नेशंस में काम कर रहा था। चिप्स टोल्ड ग्रेगसन, चिप्स ने ग्रेगसन को बताया कि व्हेन ही विजिटेड चिप्स, कि जब उसने चिप्स को विजिट किया, कि ग्रेगसन वाज लेट फॉर एवरीथिंग, तो मिस्टर चिप्स ने कहा कि ग्रेगसन जो था वो हर काम देर से किया करता था। परहैप्स ही वुड बी लेट इन ग्रोइंग ओल्ड लाइक चिप्स, कि शायद वो मिस्टर चिप्स की तरह जिंदगी में बूढ़ा जो है वो भी देर से ही होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो इंग्लैंड के अंदर जो थे कुछ चेंजेस आ रहे थे बहुत तेजी के साथ जो थे, उसको जो है डिस्क्राइब किया गया कि ही बिलीव डैट दे वॉज इनफ टू बी अनकंफर्टेबल अबाउट इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में बहुत कुछ जो था वो बेचैन कर देने वाला था। He thought, वो सोचते थे कि इंग्लैंड हैड सेक्रीफाइस मच ऑफ द वर्ल्ड, कि इंग्लैंड ने जो है दुनिया के अमन के लिए, दुनिया की खातिर जो है बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। अब जो नई पोज आ रही थी, जो न्यू जनरेशन आ रही थी, उसमें ज्यादातर जो लड़के थे वो पोलाइटर थे,
नरम मिजाज के थे और बुलिंग वॉज नॉन एग्जिस्टेंस. तो बुलिंग यानी टीजिंग करना, फाइट करना, लड़ना झगड़ना जो था उसका नामोनिशान नहीं था. दे वॉज मोर ब्लास्फेमी एंड डिसऑनेस्टी, कि अब ज्यादा चीटिंग थी, स्वेयरिंग थी, कि लोग कस्में खाते थे और धोखा देते थे. दे वॉज नाउ अ मोर जनरल फ्रेंडलीनेस बिटवीन द मास्टर एंड द बॉयज, के उस्ताद और शगिर्द के दरमियान जो था एक फ्रेंकनेस का बॉन्ड डेवेलप हो चुका था. उस्ताद और शगिर्द के दरमियान जो लिमिटनेस थी वो खत्म हो चुकी थी. टीचर्स वर लेस एरोगेंट, टीचर जो थे वो कम अब जो थे एरोगेंट रह गए थे. एंड स्टूडेंट वर द लेस साइकोफेंटिक. ब्रुकफील्ड बॉयज ड्यूरिंग द जनरल स्ट्राइक 1926, 1926 के स्ट्राइक के दौरान लॉडेड मोटर्स वैन विद फूड स्टफ्स, तो उन्होंने अपनी गाड़ियां जो थी वो खाने पीने के सामान से भरी. लेट नाइट्स, इसके अलावा रात को देर तक जागना जो था वो भी मिस्टर जेम्स को बहुत ज्यादा जो था वो थका देता था. मिस्टर जेम्स की जो लाइफ थी कि हिज इनकम वॉज मोर देन ही कुड स्पेंड, के उसकी इनकम जो थी उसके खर्चे से जो थी वो ज्यादा थी. He invested his small capital in the gilt edged stock. इसके अलावा उन्होंने जो था एक छोटा सा सरमाया जो था वो सोने के हिस्से में लगाया हुआ था. 1930, इस डेट को याद रखिएगा, चिप्स मेड हिज विल, कि चिप्स ने अपनी वसीयत नामा जो था वो तैयार किया. एक्सेप्ट फॉर द लेगेसीज, विरासत की तमाम चीजें मिशनरी स्कूल को देते हुए मिसेस विकर्ट को, ही लेफ्ट ऑल हिज मनी टू फंड एन ओपन एंट्रेंस स्कॉलरशिप टू ब्रुकफील्ड, के ब्रुकफील्ड में दाखिल होने वाले जो डिजर्विंग स्टूडेंट थे उनके लिए उसने स्कॉलरशिप जो था वो मखसूस कर दिया था. चिप्स वॉज जेनरस, चिप्स जो था वो बड़ा सफी था, फियाज दिल था. ही गेव हिज मनी टू पीपल, वो लोगों को अपने पैसे बांट देता था. वो कार्ड ऑन हिम, जो उससे मुलाकात करने के लिए आते थे विद अ हार्ड लक स्टोरी, अपनी दुखी दास्तान के साथ. He donated to various school funds, मुख्त स्कूल फंड के अंदर डोनेशन देता था. एंड ऑल्सो टू द ब्रुकफील्ड्स मिशन, ब्रुकफील्ड का जो मिशनरी स्कूल था वेयर पुअर चिल्ड्रन स्टडीड, जहां गरीब बच्चे जो थे वो पढ़ते थे. पीपल आस्क्ड हिम क्वेश्चंस, लोग उससे जो थे अक्सर सवाल करते थे. बिकॉज दे कंसिडर्ड हिम सम काइंड ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, क्योंकि वो उसको इंसाइक्लोपीडिया एक मालूम का जखीरा और खजाना जो था वो समझते थे. लेकिन जो मेजर वजह थी कि वो उससे क्वेश्चन क्यों करते थे, कि दे आल्सो आस्क क्वेश्चन एज दे न्यू कि ही वुड से समथिंग मार्वलस, कि वो कोई हैरतअंगेज किस्म की बात कहेगा, कोई फनी, कोई कॉमिक बात बताएगा. एज ही कुड सी द फनी साइड ऑफ द थिंग्स, क्योंकि वो चीजों के जो कॉमिक और ह्यूमरस आस्पेक्ट्स जो थे उनको बहुत अच्छे तरीके से जो था वो देख सकता था. तो इसलिए स्टूडेंट्स जो लोग जो थे स्टूडेंट्स जो थे वो मिस्टर जेम्स से बार बार क्वेश्चन करते थे. जैसे मिस्टर जेम्स से पूछा जाता था कि ये जंग कितनी देर तक चलेगी, 5-year plan के बारे में क्या ख्याल है, हूवर के बारे में आपका क्या कंसेप्ट है. तो इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस होते थे जो स्टूडेंट्स जो थे वो मिस्टर जेम्स से जो थे वो रिपीट्स करते रहते थे. इसी तरह एक और स्टूडेंट जो था उसने मिस्टर जेम्स को बताया था वर्लिट्सर के बारे में. वो ये बेसिकली क्या चीज थी, एक सिनेमा ऑर्गन था. मिस्टर जेम्स हैड सीन इट्स नेम ऑन द बोर्डिंग, मिस्टर जेम्स जो था इसका नाम जो था इश्तहारात पे देख चुके थे. और मिस्टर जेम्स ने स्टूडेंट्स को बताया कि ही थॉट इट बी सम काइंड ऑफ द सुसेन, कि शायद ये किसी किस्म की कोई चटनी है. 15 साल आफ्टर हिज रिटायरमेंट, उनके रिटायरमेंट के 15 साल के बाद चिप्स लिव्ड लाइफ अ परफेक्ट पीस. चिप्स जो थे बड़े पुरसकून अंदाज से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे. ही वॉज नॉट इल, के वो बीमार नहीं होते थे, बट अ लिटल टायर्ड एट टाइम्स, के गाहे गाहे जो थे वो थक जाते थे. जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 16 था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे वो शेयर किए गए थे. इसमें नंबर 1 पॉइंट बताया गया था कि मिस्टर चिप्स का फेवरेट सीजन कौन सा था. सेकेंड चीज जो आपके साथ शेयर की गई थी, ग्रेक्सन स्टूडेंट के बारे में बताया गया था कि ग्रेक्सन स्टूडेंट जो था जो अक्सर लेट आया करता था उसको जो था लीग ऑफ नेशंस के अंदर जो थी वो जॉब मिल गई थी. और मिस्टर जिप्स उससे कहा करते थे कि तुम शायद बूढ़े भी जो है वो मेरी तरह ही हो गए. इसके अलावा मिस्टर जिप्स का जो चीज सबसे ज्यादा फेवरेबल थी, जो उनकी फेवरेट थी, वो था ओल्ड स्टूडेंट्स का विजिट, कि ओल्ड स्टूडेंट जो थे वो मिस्टर जिप्स से अक्सर मिलने के लिए आ जाते थे. बास का जो था वो इतनी ज्यादा तादाद में आ जाते थे कि वो मिस्टर जिप्स को जो था वो थका देते थे. फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट जो शेयर किया गया वो स्टूडेंट्स मिस्टर चिप्स की विल है, जो 1930 में मिस्टर चिप्स ने अपना वसीयतनामा जो था वो तैयार किया था.
इसके अलावा मिस्टर चिप्स की जेनिस्ट्री का जिक्र किया गया है कि कुछ लोग जो थे वो अपनी ग्लूमी किस्म की, मिजरेबल किस्म की, डिप्लोरेबल किस्म की स्टोरीज लेकर मिस्टर चिप्स के पास आते थे, और मिस्टर चिप्स जो थे अक्सर उनको जो थी वो फाइनेंशियल जो था वो सपोर्ट करते थे, उनकी जो था वो हेल्प करते थे। तो ये चैप्टर नंबर 16 के कहने के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इंशाल्लाह ताला कल हम इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और क्वेश्चन आंसर जो हैं वो डिस्कस करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज, थैंक यू एंड शुक्रिया।